80,000 भी ज्यादा है, और कम करिए। अब उससे तो कम करना पड़ेगा, एकदम कम करना पड़ेगा। बोल दीजिए भाई, 75 में दे दीजिए। चाहिए दे दीजिए ना भाई, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75 में दे दीजिए। तेल वो डाल दीजिएगा, तेल तो रहता ही नहीं, डाल दीजिएगा। डाला हुआ है 2000 के, 2000 का तेल भी डाल दीजिए, और कुछ दीजिएगा। 75 बोले हैं भाई, मुकरिएगा नहीं गाड़ी के लिए। देख लीजिए नंबर दिखा दीजिए, यही आज आ रहे हैं जी। आप इस गाड़ी के रेट तय आके कीजिए, फिर हम इतना टैक्स कम कर देंगे ना कि आप बोलिएगा कि भाई मेरे तो गड़बड़ा रहा मामला। ना गड़बड़ाएगा ना, बोलिए 85,000 में आप दे दीजिएगा, क्या हो पाएगा आपसे? हो पाएगा, जाइए फाइनल किया। खोल लेते हैं अब, ये देखिए इंटीरियर देखिए, अंदर घुसिए एकदम से, ले जाकर लेदर का सेट एकदम लेके जाइए अंदर, दिखाइए पूरा एकदम से, एकदम चमचमाती हुई आपको अंदर से भी देखने को मिलेगा। अगर आप अंदर जाइएगा तो फील नहीं होगा कि हम सेकंड हैंड कार में बैठे हैं, आपको अंदर से फील होगा कि न्यू कार में बैठे हैं। तो अब हम मुद्दे की बात फिर से करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी का तमाम व्यूअर्स जानने का कोशिश कर रहे होंगे कि प्राइस क्या है। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, हाँ? 2012 की हुंडई i10 का इरा प्लस है, टॉप मॉडल की गाड़ी है, चारों चक्का न्यू है, ठीक है, ब्रांड गाड़ी है, ठीक है, इंजन से भी स्मूथ है, ठीक है, मात्र 45,000 किलोमीटर चला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल देखे हैं, एकदम ओरिजिनल साउंड है, एकदम म्यूजिक सिस्टम है, सब LCD लगा हुआ है। आपको 2,05,000 रुपया में, 2,05,000 में 2012 मॉडल हुंडई का गाड़ी है, मात्र 45,000 किलोमीटर चला है, टोटल पेपर अप टू डेट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इस गाड़ी में करीबन 10 दिन पहले चारों टायर लगा है, जो कि उसका बिल भी आपको दिया जाएगा। लेकिन 2,05,000 बोल रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से कुछ और कम होना चाहिए। आज आ रहे हैं जी, आप इस गाड़ी के रेट तय आप ही कीजिए, हम कभी कभी मौका आपको भी देते हैं तय करने का। जाइए आप भैया मेरा, हम इतना टैग कम कर देंगे ना कि आप बोलिएगा कि भाई मेरे तो गड़बड़ा रहा मामला। ना गड़बड़ाएगा ना, बोलिए बोलिए। 2,05,000 बोले हैं, और ज्यादातर गाड़ियां हम 190 हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 190 नहीं बल्कि 85,000 में आप दे दीजिएगा, क्या हो पाएगा आपसे? हो पाएगा, जाइए फाइनल किया हम, 185,000 में जाइए। 2000 का तेल देंगे, 185 में फाइनल, जाइए 185,000 में। 2012 मॉडल गाड़ी है, हुंडई का है, चमचमाती हुई, टोटल पेपर अपडेट, और इसमें एक जरा सा रत्ती भर भी काम कराने की जरूरत नहीं है। और ये 1,85,000 2,05,000 बोला कि मैं जो बोलूंगा उसमें दे दीजिएगा, मैंने बोला दे दो। हमारा तो माइंड नहीं डिस्टर्ब काम कर रहा है कि भाई मेरे कि इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं भाई। दे देंगे, चलिए अब इससे सस्ता आपको कहाँ मिलेगा भाई मेरे। पटना जाइएगा, रांची जाइएगा, मुजफ्फरपुर जाइएगा, कहाँ जाइएगा? अरे मैं बता रहा हूँ कि अगर मन बना है ना तो वहां से घूम करके फिर इसी जगह पे आइएगा, ये गारंटी है। क्योंकि इतना सस्ता गाड़ी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक गाड़ी और देखने का कोशिश करेंगे, जो कि ये व्हाइट कलर का चमचमाती हुई स्विफ्ट लग रहा है हमको, और ये तो और उससे भी ज्यादा नया है। लेकिन इसका प्राइस भी जानने का कोशिश करेंगे, और इसके गाड़ी का पूरा पेपर भी जानने का कोशिश करेंगे, और इंटीरियर भी और इंजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में बताइए। ये 2013 का सितंबर का गाड़ी है, 2013 सितंबर का। चलिए ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, हाँ? ये स्विफ्ट गाड़ी है, हाँ? जो मार्केट में बहुत डिमांड है, ठीक है। इसका माइलेज करीबन 20-22 का आसपास में, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी है, हाँ? BXI का टॉप मॉडल गाड़ी है, ठीक है। पेपर सब ट्यूट अपडेट मिलेगा, सब मिलेगा। मेरे पास पेपर बिना अपडेट का नहीं बेचते। चलिए तो इस गाड़ी को पहले घुमा करके दिखाइए, तो पहले उसके बाद हम अंदर से देखेंगे। फिलहाल इस गाड़ी का पूरा लुक वाइज दिखाइए, क्योंकि स्टिकर भी लगा है इस गाड़ी में, और एकदम से वो बेहतरीन देखने में लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, व्हाइट कलर का है, ये नंबर प्लेट भी बहुत ही बेहतरीन है। और क्या मैं बोलूं, गाड़ी अगर आप रियल में देखिएगा ना, तो वीडियो में कुछ दिख रहा होगा, रियल में और ही खूबसूरत दिख रहा है। अब जैसा इंटीरियर दिखाने का कोशिश कीजिए, इंटीरियर दिखाइए, इंटीरियर देखिए, ये खुला, अब अंदर जाइए, दिखाइए एकदम से। अब बताइए कि क्या आपको नया पुराने में क्या डिफरेंसेस है, जैसा आप देख करके बताइए कि वाकई में ये नया जैसा लग रहा है इंटीरियर या नहीं। टच स्क्रीन देखिए, और आपका बता देते हैं, HCL कंपनी की ब्रांड वर्ल्ड का जो है ना, वो टच स्क्रीन लगा हुआ, जो अभी 18,000 का मार्केट का डिमांड है। अच्छा अच्छा, वो लगा के हम दे रहे हैं आप, है ना। चलिए ठीक है, तो इसका इंजन देखा दिखाइए जैसा, है ना। बोनेट खोलिए, बोनेट खोल के देखेंगे जरा सा, आइए
आइए, क्या बात है भाई, मेरे बरसात में भी इस तरीके का सूखा इंजन अगर आपको मिल रहा है तो इससे तो साफ पता चलता है कि इनके ईमानदारी पे अगर आप लोग शक करिएगा तो शायद आपको कहीं ना कहीं गलत होंगे। आर्यन जी इसमें भी देखिए बैटरी का एक साइड का नया लगा हुआ है, एक साइड का नया बैटरी लगा हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि आप जितने भी गाड़ी देखे हैं वो सब में मैं मोबिल पलटी करके देता हूँ भाई, सर्विसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। खैर इसको बंद करिए, अब इस गाड़ी के प्राइस के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इस गाड़ी का प्राइस क्या है? 3 लाख रुपया। आप 3 लाख रखे हैं, लेकिन 3 लाख तो कस्टमर से हम दिलवाएंगे नहीं भाई मेरे। तो अब क्या कह रहे भाई मेरे पे? भाई एकदम कम करना पड़ेगा, उस सब कुछ नहीं जानते हम कहा पता, शायद कम बोल दिए या ज्यादा बोल दिए, आप ही बोलिए फाइनल प्राइस आप कितना दीजिएगा, कम करके दम फाइनल। हम आपको ये 2,85,000 में फाइनल कर दे। 2,85,000 भी कम है, ये ज्यादा है, और कम करिए। अब उससे तो कम कम करना पड़ेगा, एकदम कम करना पड़ेगा। आप ही बोल दीजिए भैया, 75 में दे दीजिए, जाइए दे दीजिए ना भाई, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75 में दे दीजिए, तेल वो डाल दीजिएगा। तेल तो रहता ही है इसमें, नहीं डाल दीजिएगा, डाला हुआ है 2000 की, 2000 का तेल भी डाल दीजिए, और कुछ दीजिएगा, मतलब 75 बोले हैं भाई, मुकरिएगा नहीं गाड़ी के लिए। देख लीजिए नंबर दिखा दीजिए, यही गाड़ी 2,75,000 में बोला गया, 13 मॉडल, अब पेपर टोटल अपडेटेड मिलेगा, अपडेट अपडेट एकदम से, चक्का उक्का देख ही लिए हैं आप। ठीक है, आओ जैसा ये पूरा एकदम से गाड़ी का पूरा कलेक्शन दिखाइए, क्योंकि टाइम बर्बाद आप लोगों का मैं नहीं करूंगा, और भी बहुत सारी गाड़ियां है जो कि गोडाउन में लगा हुआ है, वहां पे भी दिखाने का कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इतने पे हम कोशिश करेंगे इन करने का। लेकिन हाँ, आप तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग सेकंड हैंड कार शोरूम खोजना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप औरंगाबाद के दानी बीघा में आइए, औरंगाबाद बिहार के दानी बीघा में आइए, आपको इसी जगह पे पांडे मोटर्स कार्स के नाम पे बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा, और एकदम बस स्टैंड के पास ही इनका कार शोरूम है, जो कि इस तरीके का फोर सेल का बोर्ड लगा हुआ रहेगा गाड़ियों में। ठीक है, आप यहां आ सकते हैं, नगर पार्क न्यू खुला हुआ, उसके भी ठीक सामने, क्या बात है, और नंबर भी डिस्प्ले पे चल रहा है, आप नंबर पे भी डायरेक्टली इनसे संपर्क कीजिएगा, हमसे नहीं इनसे संपर्क करिएगा। और एक चीज और बता देना चाहते हैं, आइए इधर आइए आइए, कि हमारे जितने भी व्यूअर्स अगर आपको कॉल करते हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करिए और बाइज्जत उनसे बात करिए। तो बात तो करते ही है, हाँ, किसी तरीके का कोई व्यूअर्स कोई भेदभाव नहीं रखते ना, कोई चलिए किसी तरीके का मतलब उल्टा सीधा बोलना नहीं है, है ना, और जिनको जो पसंद आएगा उस हिसाब से, अगर आपको देने लायक है उस रेंज में, अगर कस्टम वो बोलता है, अगर देने लायक है तो बुलाइए, अगर नहीं तो मत बुलाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे कि बाहर के लोग हैं, मतलब बाहर बाहर से देखते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, जो भी बात करेंगे वो लोग फोन पे ही बात करेंगे, फोन पे ही हमारा बुकिंग होता है भैया, हमारा जो बुकिंग होता है गाड़ी का वो फोन पे होता है। बताए तो कि समस्तीपुर कहाँ कहाँ थे, मोतिहारी से, एक साथ पूरा इधर से वहीं से रोल करते हुए आइए, आइए धीरे धीरे आइए, आइए दिखाते हुए गाड़ी, अब देख सकते हैं ये स्विफ्ट है, ये हुंडई का गाड़ी है, और नजदीक आइए, हुंडई का गाड़ी है, इसके बारे में बताए हैं, ये स्विफ्ट है, इसके बारे में भी हम बता दिए हैं, ये आपको अल्टो 800 एसी वाला गाड़ी है, इसके बारे में ही बता दिए हैं, ये योन है, इसके बारे में भी, हुंडई का योन, इसके बारे में ही बता दिए हैं, और ये बहुत सारी गाड़ी है, देखिए अंदर में भी बहुत सारा गाड़ी है पड़ा हुआ है, पांडे मोटर्स, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है पांडे मोटर्स के नाम से, डिस्प्ले में भी नंबर आपको दिख रहा होगा, इससे इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, यही नंबर हम वीडियो में भी दे रहे हैं, और ये ऑफिस है इनका, यहीं से गाड़ियों का कागज पत्र बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइज्जत, ऐसा नहीं है किसी तरीके का उल्टा सीधा वाली बात होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे एक गैरेज भी है स्मार्ट कार सर्विस सेंटर के नाम से, अब यहाँ दिखाइए। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा यहाँ से आप गाड़ी दिखवा सकते हैं, मिस्त्री है कारीगर है वो बता देंगे कि गाड़ी में क्या कमी है। ठीक है, तो सब चीज जांच पड़ताल करके ही गाड़ियां लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, और हाँ, उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो जो सेकंड हैंड गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, जय हिंद।